एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट पेंडिंग थी कि मैम आप पेंसिल हील्स पे वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो में। बट अभी क्योंकि मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंसिल हील्स ले ली है तो उसी पे ये रिक्वेस्ट उसी रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि किन्होंने वो रिक्वेस्ट की थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स जिसमें मेरी सैंडल्स है और ये मैंने अमेज़न से परचेज की है, तो चलिए देखते हैं कैसी है। तो इस प्रोडक्ट का नाम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मिस्टर वैगन वुमेन एंड गर्ल्स कैजुअल पेंसिल हील सैंडल इन फ्लोरल प्रिंट। तो चलिए देखते हैं कैसी है। तो इस तरह का ये बॉक्स है, इसका ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का, और ये रही मेरी सैंडल्स। ये इसका बिल है, 549 रुपीस की ये सैंडल है, तो ये उसका बिल है। तो ये रही मेरी सैंडल्स, मैं आपको फटाफट से इसको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। तो इस तरह की ये सैंडल है, फ्लोरल प्रिंट की पेंसिल हील है और इस तरह से ये दिखती है। एंकल्स में ये थोड़े से हाई एंकल्स की है, यहाँ पे इसके इस तरह से एक बैंड दिया हुआ है जो कि आपके पैर को अच्छे से होल्ड करेगी और आपका पैर इसमें फिसलेगा नहीं। तो इस तरह का इसका लुक है, ये ग्रीन फ्लोरल प्रिंट में है। एक इसमें दो कलर्स और अवेलेबल है जो कि है, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। मींस उसमें ये ब्लू कलर वाली में ये जो फ्लावर्स है ये ब्लू कलर के हैं, रेड कलर वाली में ये जो फ्लावर्स है ये रेड कलर के मिलेंगे पूरे में। इस पेंसिल हील की पहले आप लुक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा एंकल से लेके यहाँ एड़ी तक कितना अच्छा फ्लावर का प्रिंट पूरे पे दिया है। पूरी ये जो हील है ये कवर की है फ्लोरल प्रिंट से, और इतनी ये 3 इंच की हील है। और यहाँ ये जो मटेरियल है, मटेरियल का नेम एक्चुअली मेंशन नहीं है तो मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी कि ये मटेरियल कौन सा है, लेकिन ये मटेरियल कुछ कुछ जैसे पीयू लेदर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पीयू लेदर कैसा होता है। तो ये मेरा स्लिंग बैग है जो कि बटरफ्लाई का, और ये जो लेदर है ये पीयू लेदर है। तो इस तरह का ये जो मटेरियल है, इस तरह का ये मटेरियल इसमें यूज किया गया, मतलब उससे भी और अच्छी क्वालिटी का। और बहुत जैसे पर्स में मटेरियल यूज किया हुआ होता है ना, आर्टिफिशियल लेदर वाले जो पर्स होते हैं, उस तरह का मटेरियल है और काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पतला है फट जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें ये मटेरियल यूज किया है। इस सैंडल की जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये जो सैंडल है आप किसी भी ओकेजन पे इसको पहन सकते हैं, जैसे अगर कोई कॉलेज का फंक्शन है या फिर कोई घर में कोई इवेंट है, कोई ओकेजन है, तो आप इस तरह की सैंडल को आराम से पहन सकते हैं। अगर आप हील्स कैरी कर सकते हैं इजिली, तो क्योंकि ये 3 इंच की हील है तो थोड़ा पहनने में लगता है कि हाँ हमने थोड़ी सी हील पहनी है, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी फ्लोरल लुक है, बिल्कुल बहुत अच्छा इसमें प्रिंट है, और फिनिशिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। सबसे पहले जो देखी जाती है अगर हम कोई फुटवेयर परचेज करते हैं तो पहले उसकी क्वालिटी देखी जाती है कि कैसी क्वालिटी है। सेकंड जो देखा जाता है, जो कि मैं हमेशा देखती हूँ, कि इसमें कोई गम पेस्टिंग तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब अगर वो नजर आती है तो उसे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्लू वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रही है। इस तरह का इसका ये वाला सोल है बीज कलर का, और यहाँ पे कोई भी गम पेस्टिंग नजर नहीं आ रही है। बहुत अच्छी फिनिशिंग है सैंडल की, और यहाँ जो इसमें ये बेल्ट दी है ना, बहुत अच्छे से पैर को होल्ड करती है। और यहाँ जो इसमें ये हुक है ये गोल्डन कलर का दिया है। मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये इस तरह से ये बेल्ट है, जब आप इसको पहनेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल आपको लगेगा। अगर आप हील्स पहनने के शौकीन है तो
मतलब मैंने जब मैं रेगुलर हील्स नहीं पहनती हूँ, मतलब मुझे वेजेस ज्यादा पसंद है, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। प्राइस में भी अफोर्डेबल है, मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सस्ता हो और क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो, क्वालिटी भी इतनी अच्छी आपको मिल रही है, प्रोडक्ट इतना अफोर्डेबल है, 549 रुपीज इसका प्राइस है, कोई डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, बिकॉज अमेजोन पे जब आप परचेज करते हैं तो 500 से ऊपर आपका अगर अमाउंट जा रहा है प्रोडक्ट का तो आपको डिलीवरी जो है वो फ्री मिलती है, तो इसलिए 549 रुपीज इसका अमाउंट मुझे पड़ा है। और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें जो ये जो मटेरियल यूज किया है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। इस तरह के फुटवेयर्स को आप डे फंक्शन में भी इजिली पहन सकते हैं, नाइट फंक्शन में भी इजिली पहन सकते हैं, अगर आप कोई एथनिक ड्रेस पहन रहे हैं उस पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, अगर आप कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, ट्राउजर पहन रहे हैं, या फिर आप नी लेंथ की कोई ड्रेस पहन रहे हैं, या आप मैक्सी ड्रेस पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं लॉन्ग लेंथ के, तो किसी भी टाइप की ड्रेस पे ये सैंडल बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और बहुत स्टाइलिश है। आप देख सकते हैं कितनी स्टाइलिश इसकी लुक है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दे दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये सैंडल परचेज करने का मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में है। और क्योंकि मेरे पास काफी दिन से रिक्वेस्ट ये पेंडिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि काफी डिले हो गया है तो अब मुझे तो ये लानी पड़ेगी भी आपकी रिक्वेस्ट पे, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है और मैं इसको एक बार ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। फरमाइश है तो वो भी मुझे लिख के बताने, मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर एक अच्छा सा रिव्यू देने की। देखो जो मैं रिव्यू देती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 100% जेन्यून होके दूं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बेकार है लेकिन मैं उसकी तारीफ करे जा रही हूँ। मेरे को जिस तरह का प्रोडक्ट लगता है मैं सेम आपको वैसे ही बताती हूँ, तो आपको भी अगर किसी चीज का रिव्यू देखना है, आपकी भी कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और निशा स्टाइलिंग ट्रेंड की फैमिली बन जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।